छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भेंट मुलाकात के दरमियान स्थानीय विधायक संगीता सिन्हा के साथ मिलकर नागेश्वर पांडे, पूर्व उप संचालक कृषि ने किसानों की तकलीफ को समझते हुए बेहतरीन कार्य योजना बनाकर भूपेश बघेल को सौंपे थे, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री ने आदिवासी कृषकों को प्राथमिकता देते हुए प्रशिक्षण देने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ चिराग योजना के अंतर्गत एकीकृत कृषि भूमि एवं जल संरक्षण, कृषि एवं उद्यान विकास, मत्स्य पालन एवं पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन जैसी गतिविधियों को भी हाथ में लिया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय युवाओं को बिक्री और विपणन में प्रशिक्षण दिया जाएगा और नवीनतम कृषि तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। आदिवासी एसटी वर्ग के किसानों को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य, मूल्य संवर्धन, फूड प्रोसेसिंग और कई प्रकार की तकनीकों की जानकारी कृषि विभाग, वेटरनरी पशुपालन विभाग और हॉर्टिकल्चर मत्स्य पालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वय से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक घोषणा में किया था और ये 20 प्रशिक्षण हमें इस तरह के आयोजित कर रहे हैं। है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े, तो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, इन पे ऐसा है कि हम बहुत कम लागत में, हमारे पास जो ऑलरेडी है सामान, हमारे पास अगर गाय है उनका गोबर और गौमूत्र, जितने भी पत्ते हैं जो हमारे यूजफुल हैं, नीम के, सीताफल के, ऐसे ही अन्य, इनका उपयोग करके हम खुद खाद कीटनाशी बनाएं और उसको खेत में प्रयोग करें और कम से कम खर्च में हम अधिक से अधिक उपज लें।